वानिया वानिया विन हो गई है, ये विन हो गई है। लो जी विक्ट्री एंजॉय कर रही है, ये मिर्हा मिर्हा भी विन हो गया है, मिर्हा एंजॉय कर रही है विक्ट्री अपनी। इधर आओ इधर आओ, नाराज हो गया। लो जी इनकी हमेशा फाइट होती है ट्रैम्पोलिन के ऊपर, चिढ़ती है तो वो जान के ये पकड़ी ली जा रही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम अपने बच्चों को बाहर लेकर जाएं हम्टी डम्टी और कुछ इन्जॉय के लिए। और हमने ये भी सोचा है कि हम लोग जाएंगे आज पिज़्ज़ा मैक्स, और नहीं सॉरी पिज़्ज़ा ऑनलाइन। तो सुनने में आया था, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा था उनका पिज़्ज़ा अच्छा है, तो मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं। और ये हमारा पहला ब्लॉग है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी आपकी, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। तो चले मिना वानिया को पकड़ते हैं, तैयार करते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं पहले हम्प्टी डम्प्टी, और वापसी पे हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे हम लोग और खूब इंजॉय करेंगे पिज़्ज़ा ऑनलाइन का। हाँ चलो ठीक है, और एंड पे आपको रिव्यू भी देंगे कि हमें किस तरह की सर्विस किस तरह की लगी और टेस्ट उनका किस तरह का था। आप सैड हो गई थी? हम्प्टी डम्प्टी जाना आपने? नहीं जाना, हम्प्टी डम्प्टी जाना है, जाना है। लेके आए हैं मिन्ना और वानिया को हम्प्टी डम्प्टी में, अभी ओपन ही हुआ था तो हम पहले कस्टमर हैं इसलिए अभी बिल्कुल खाली हुआ था। ये वानिया और मिन्ना की गेम लगी हुई है, फुल टफ कंपटीशन दे रही है एक दूसरे को। तो जी मामा भी इन गेम आ गई हैं क्योंकि मिन्ना से नहीं खेला जा रहा ठीक से। चलो मामा भी फेल हो गए। वानिया वानिया विन हो गई है, ये विन हो गई है। लो जी विक्ट्री एंजॉय कर रही है, ये मिर्हा मिर्हा भी विन हो गया है, मिर्हा एंजॉय कर रही है विक्ट्री अपनी। ले जी वानिया बैठी है उसके ऊपर, मिन्ना डर रही है, मिन्ना डरती है। ले जी वानिया चढ़ी है बॉल पॉन्ड के ऊपर, मेरा अपने शूज उतरवा रही है, और मामा ये वानिया फुल एंजॉय कर रही है। हेलो वानिया, आपको मजा आ रहा है? ये मिर्हा जी कह रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, वो इसलिए रोया रोया कर रही है, इसके डैडी इसको पकड़ा हुआ है। हाय ओके। ये डैडी जी लेकर जा रहे हैं इसको। इधर आओ इधर आओ, नाराज हो गया। लो जी इनकी हमेशा फाइट होती है ट्रैम्पोलिन के ऊपर कि कौन जंप करेगा कौन नहीं करेगा। अच्छा मेरा बेटा, कोई बात नहीं, छोटी बहन है ना, छोटी बहन है, टर्न बाय टर्न। इनकी हमेशा लड़ाई होती है, पिद्दी पता क्या करती है, मेरा मेरा उसे जंप नहीं करने देती क्योंकि वो जब जंप करती है तो वो गिर जाती है। चलो अब वानिया टर्न,
नो बानिया स्टैंड, चलो जंप करो। इस वजह से लड़ती है। चलो अब, चलो अब मीना स्टंट, वानिया मीना स्टंट, चलो इनका बड़ा शुगर लगता है। तो इन्हें बारी बारी दिलवाना पड़ता है। चलो वानिया स्टंट, वानिया स्टंट, ये देखना भाई क्या होता वानिया स्टंट। हाँ ये इसे भी पता है कि वो ना चिढ़ती है तो वो जान के ये पकड़ी लीजिए। ये गोवे नहीं ना, मतलब गोवे बहना। ले जी आखिरकार मीना को मौका मिल गया अकेले जंपिंग करने का और मीना फुल खुश है। बैनी आए, बैनी नीना को बुलाऊं? नो ओ योर जंपिंग। ले जी नीना इधर बिजी हो गया वी आर के ऊपर। ले जी अब पता चला वो वाला वी आर चल नहीं रहा था तो अब ये वी आर चल रहा है तो अब ये देख रही है। और ये जनाब कह रही है हमने नहीं वो देखना, हमने ही लेना। ये हमारा मिन्ना डॉल, ये किसी की नहीं सुनता, ये जो कहता है वही अपना करवाता है। ले जी अब ये मेरी बेटी, ये भी अकेली सुकून से अब जंपिंग कर रही है। ये वानिया कम खेल रही है, बाबा कुछ ज्यादा ही खेल रहे हैं। तो जी अब हमारी गेम खत्म हो गई है। ये बाबा ही ज्यादा कुछ खेल रहे हैं, मैं वानिया तो खेल ही नहीं रही। पीछे आ गए हैं अभी ऑनलाइन पिज्जा खाने के लिए और ये हमारे साथ वानिया और ये कवर और इनके लिए फ्राइज ऑर्डर किए हैं, पिज्जा ऑर्डर किए हैं और आपको रिव्यू देंगे कि किस तरह का पिज्जा। हमने इनसे पूछा कि इनका बेस्ट फ्लेवर कौन सा है तो कह रहे हैं स्पेशल और स्टीम। चलें अभी आता है तो आपको एक फर्स्ट लुक भी देते हैं और उसके बाद रिव्यू भी देंगे। ले जी ये है इनका स्पेशल और ये है स्टीम। बाकी हम लोग खाने लगे हैं वो खा के आपको रिव्यू देते हैं। ले जी खाने का हो गया काम तमाम, थोड़ा पिज़्ज़ा बचा है, तकरीबन आधा पिज़्ज़ा और ये मोटी सारा कुछ खा गई है। हम लोगों ने पिज़्ज़ा खा लिया है और हम लोग रास्ते में हैं और जाते जाते मैं भी आपको ये बता दूं कि पिज़्ज़ा कैसा था। इसका मैं आपको रिव्यू देती हूँ पिज़्ज़े का कि सोसो था। और मैं पूछती हूँ अपने हस्बैंड अली से कैसा था पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बिल्कुल नॉर्मल था, सर्विस पैथेटिक थी। ठीक है पहली बात तो ये ऑर्डर लेट आया, चलो ऑर्डर हर रेस्टोरेंट में अक्सर लेट हो जाता है। दूसरा ऑर्डर जो है वो इन पार्ट्स आया, पहले पिज़्ज़ा आया, हम लोगों ने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा प्लस प्लेन फ्राइज और साथ कोल्ड ड्रिंक। तो सबसे पहले पिज़्ज़ा इन्होंने दी है, उसके 15 मिनट बाद इन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक दी, उसके तकरीबन 5 मिनट के बाद इन्होंने हमें फ्राइज़ दी। मैं मैनेजर को भी अच्छा खासा
कह के आया हूँ कि स्टाफ इनके पास इतना, जैसे इन्होंने ना कोई जंग लड़ने जाना, लेकिन सर्विस पथेटिक थी। तो बाकी पिज्जा नॉर्मल था, मैं भी कहूँ कि बुरा था, बुरा नहीं था, बस ठीक था। तो अगर आप लोगों को नॉर्मल पिज्ज़ा खाना, प्राइसेस भी इनकी बिल्कुल मतलब मकूल थी, तकरीबन 3400 के अंदर हम लोगों को दो लार्ज पिज़्ज़ाज मिले हैं और साथ प्लेन फ्राइज लार्ज मिली हैं, 1.5 लीटर की कोक मिली है और बस यही था। लेकिन सर्विस बहुत पटाटिक थी। अगर आपको इकोनॉमिकल प्राइस में अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको सर्विस अच्छी चाहिए तो फिर आप, मेरे साथ तो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, शायद क्या नाम है कभी हो जाता है, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा, मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा सर्विस का। तो हम लोग जा रहे हैं घर, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम लोग आपके साथ तमाम अपनी अपडेट्स शेयर करें, और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा, और अपने कमेंट्स तो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।